हेलो स्टूडेंट, आज क्लास हम बात करने वाले हैं फ्लैट बेल्ट के बारे में। जानेंगे फ्लैट बेल्ट क्या होता है और फ्लैट बेल्ट से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि फ्लैट बेल्ट की डायमेंशंस के बारे में कि हम मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट कैसे डिसाइड करते हैं, फ्लैट बेल्ट के केस में मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट हम कितना रखते हैं, फ्लैट बेल्ट के केस में हम फ्लैट बेल्ट की स्ट्रेंथ किस तरीके से निकालते हैं, फ्लैट बेल्ट के केस में हमारी जो लेंथ इफेक्टिव है वो हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं, इस बेल्ट के अंतर्गत हमारे कौन से स्ट्रेस हमारे क्रिटिकल स्ट्रेस होते हैं और फोर्स की जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन है वो हमारे किस तरह से रहती है, और जब हम वेल्डिंग करते हैं दो प्लेट्स के लिए तो उस वेल्डिंग में हमें फ्लैट बेल्ट की कौन कौन शेप देखने को मिलती है, इन सब डिटेल कंटेंट के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको कंसंट्रेट होकर इस पूरी क्लास को ध्यान समझना है। उम्मीद करूंगा कि इस पूरे लेक्चर में आपको फ्लैट बेल्ट से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम मैं आपको इस लेक्चर में पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं फ्लैट बेल्ट के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं, हमारे सामने यहां पर डायग्राम दिखाई दे रहा है, एक डायग्राम यहां देखें, दूसरा डायग्राम एक हमारा यहां पर बना हुआ है। तो फ्लैट बेल्ट किसे कहते हैं, आप देख रहे हैं कि हमने क्या कर रखा है, एक प्लेट हमारी प्लेट नंबर 1, ये हमारी प्लेट नंबर 1 है और दूसरी हमारी ये प्लेट नंबर 2 है। तो हमने क्या किया है, दोनों प्लेटों को जो हमारे मेंबर हैं, जिन स्ट्रक्चर के जो हमारे दो प्लेट्स हैं, इस प्लेट्स को हमने क्या किया, ओवरलैप किया है, और तब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम वेल्डिंग करेंगे। तो हम यही कहेंगे कि जब हम फ्लैट बेल्ट किसे कहते हैं, जब दो प्लेट्स को या दो मेंबर को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराने के बाद उन्हें वेल्डिंग की मदद से जोड़ दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैट वेल्डिंग कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि व्हेन टू प्लेट्स और मेंबर आर कनेक्टेड बाय ओवरलैप टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वेल्ड, तो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज फ्लैट बेल्ट। जो हमारा कनेक्शन बन जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, फ्लैट बेल्डिंग कहेंगे। यानी हम यही कहेंगे कि फ्लैट बेल्डिंग के केस में दो प्लेटों को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराकर जॉइंट कर देते हैं। अब बात आती है इसकी, जो हम फोर्स लगाएंगे इसमें, यानी जब हम वेल्डिंग कर देंगे तो वेल्डिंग करने के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर पर जब फोर्स अप्लाई होगा तो हमारा एक फोर्स, सपोज कीजिए इस प्लेट पर हमारा इस डायरेक्शन में है, ये हमारा फोर्स है, दूसरा फोर्स हमारा इस प्लेट पर इस डायरेक्शन में यहाँ पर लगा हुआ है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि हमारे जो फोर्स है, फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमारे इस तरीके से है। तो आप देख पाएंगे कि आपके इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमारे इस प्लेन में है और फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो यहाँ पर हमारे इस प्लेन में है। तो यही कहेंगे कि जो इस बेल्ट के केस में, यानी फ्लैट बेल्ट के केस में जो हमारी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होती है वो अलग अलग प्लेन में होती है। इसकी हमारी अपर प्लेन में है और दूसरी हमारी इसके नीचे वाले प्लेन है, लोअर प्लेन में है। हम ये कहेंगे कि सेम प्लेन में, जैसे कि हमारा बट बेल्ट के केस में जब हम वेल्डिंग करेंगे दो प्लेटों को एक दूसरे के सामने रखकर, तो उनकी जो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो कैसी होगी, हमारी एक ही प्लेन में होगी। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे कि फ्लैट बेल्ट केस में लाइन ऑफ एक्शन हमारी कैसी होती है, सेम प्लेन में नहीं होती है। तो यहां पर हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन इज इन डिफरेंट प्लेन, इज इन डिफरेंट प्लेन, इज इन डिफरेंट प्लेन, यानी अलग अलग प्लेन में हमारी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होती है, या हम कह सकते हैं इज नॉट इन सेम प्लेन, इज नॉट इन सेम प्लेन। तो हमने क्या बताया इसके अंदर कि जब हम फ्लैट बेल्ट करते हैं तो फ्लैट बेल्ट के केस में हमने क्या किया, फ्लैट बेल्ट के केस में जब हमारे दो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमारी क्या से सेम प्लेन में नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि इसी अलग अलग प्लेन में फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होती है। अब देखें, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अगर अलग अलग प्लेन में है तो अब इन दोनों, हम दोनों प्लेटों को अगर हम फोर्स लगा खींचेंगे तो ये प्लेटों का हमारा जो नेचर होगा, जो बिहेवियर होगा, वो हमारा किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हम जो भी मटेरियल भरेंगे, यानी कि जब इनको जॉइंट करेंगे तो हमें वेल्डिंग करनी होगी, तो जब हम वेल्डिंग कर देंगे तो वेल्डिंग पर हमारा कौन सा स्ट्रेस आएगा, तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है इसके अंदर। तो यहाँ पर हमें जो शेयर देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा, जो हमें क्रिटिकल स्ट्रेस देखने को मिलेंगे, हमारे कौन से स्ट्रेस देखने को मिलेंगे, हमें शेयर स्ट्रेस देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि क्रिटिकल स्ट्रेस कौन से होते हैं, तो इस केस में हमारे शेयर स्ट्रेस हमारे कैसे होते हैं, हमारे क्रिटिकल स्ट्रेस हमें देखने को मिलते हैं किसमें, फ्लैट बेल्ट के केस में। तो हमारी पहली इंपॉर्टेंट बात क्या थी, जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर ओवरलैप कराकर जॉइंट किया जाता है तो उसे हम फ्लैट बेल्ट कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हमारी एक ही प्लेन में नहीं होती है, यानी डिफरेंट प्लेन में होती है, यानी फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है किसमें, सेम प्लेन में नहीं है, इज नॉट इन सेम प्लेन बट इज इन डिफरेंट प्लेन, हमारे किसमें, अलग अलग प्लेन में होती है। तो अब दूसरी बात की, अगर हमारी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट प्लेन में है तो उस केस में हमारे जो स्ट्रेस डेवलप होंगे वो कौन से स्ट्रेस डेवलप होंगे,
हमारे क्रिटिकल स्ट्रेस जो होंगे वो शियर स्ट्रेस हमें देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके वीकेस्ट सेक्शन की कि सबसे कमजोर हिस्सा हमारा फ्लैट बेल्ट में कौन सा होता है। देखें जरा यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर एक दो प्लेट है मेरे पास, अब इन दोनों प्लेटों को हमने इस तरीके से ज्वाइंट कर रखा है। ये हमारे पास दो प्लेटें हैं और दो एक अपर प्लेट है, दूसरी नीचे वाली प्लेट है, और हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर हमने इसकी बेल्डिंग की हुई है। तो ये हमारा बेल्ट कौन सा हो गया, फ्लैट बेल्ट हो गया। लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ हम निकालेंगे वो स्ट्रेंथ हम किसके आधार पर निकालते हैं, तो हम कोई भी स्ट्रक्चर हो, किसी भी टाइप का आप कोई मेंबर आप पढ़ें, तो हम किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर में जो सबसे कमजोर पार्ट होता है, जो वीकेस्ट सेक्शन होता है, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं, यानी स्ट्रेंथ हम पता करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखें अगर हमारा वीकेस्ट पोर्शन हमारा सेफ है तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सेफ रहेगा। यानी अगर कमजोर हिस्सा जो इस स्ट्रक्चर के अंदर है, अगर वो कमजोर हिस्सा आपका सही सलामत है, सेफ रहेगा, तो लॉन्ग टर्म में हम बात करें तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर हमारा सेफ रहेगा। तो जब भी हम किसी भी फ्लैट बेल्ट के केस में जब हम स्ट्रेंथ निकालते हैं तो हम देखते हैं इसके अंदर वीकेस्ट सेक्शन कौन सा है। तो अगर वीकेस्ट सेक्शन की अगर हम बात करें तो देखेंगे जरा हमारा, हमने बेल्डिंग की है कुछ इस तरीके से। ये ग्रीन मार्कर मैं यहां पर यूज कर रहा हूं बेल्डिंग के लिए। मैंने क्या किया इसके अंदर, हमने यहां पर इस तरीके से बेल्डिंग कर दी, यानी हमने बेल्डिंग मटेरियल इसके अंदर हमने भर दिया। तो बेल्डिंग मटेरियल जब हमने यहां पर भरा है तो इस तरीके से आप जो ग्रीन कलर का आप जो शेडिंग देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, हम फ्लैट बेल्ट इसके अंदर हम कर रहे हैं, यानी बेल्डिंग इसके अंदर हम भर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस पूरे को बेल्डिंग के द्वारा भर दिया। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से हमने बेल्डिंग कर दी, जो ग्रीन कलर की लाइनिंग्स है ये हमारी क्या शो कर रही है, बेल्डिंग शो कर रही है यहाँ पर। तो ये जो हमने बेल्डिंग यहाँ पर प्रोवाइड की है इसके अंतर्गत, अब हम बात करेंगे इसके अंदर वीक सेक्शन कौन सा है, सबसे वीकेस्ट पार्ट कौन सा है। तो देखें वीकेस्ट पार्ट हमारा इसके अंदर कौन सा है, हम बेल्ट के इस हिस्से को अभी हम इस डायग्राम की मदद से डिटेल में समझेंगे, फिलहाल में हम समझते हैं वीकेस्ट पार्ट कौन सा है। तो हमने क्या किया, बेल्डिंग जब भरी है तो यहाँ पर हम एक सीधी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हम मिला देते हैं। तो ये जो बेल्ट हमने किया है वो कौन सा बेल्ट, हमारा कॉन्वेक्स बेल्ट है। तो यहाँ पर इस पार्ट से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं थ्रॉट थिकनेस, यानी इसे हम कहते हैं टी। तो इसके अंदर जो हमारा वीकेस्ट पार्ट होता है, अभी हम डिटेल में समझेंगे, ये सारे एक एक एलिमेंट समझेंगे, यहाँ पर हमारे टेक्निकल टर्म्स सारे समझने वाले हैं, पर अभी यहाँ पर समझा कि वीकेस्ट सेक्शन इसके अंदर क्या है, ये टी हमारा जो है, और टी क्या है यहाँ पर, टी है यहाँ पर थ्रॉट थिकनेस, टी यहाँ क्या है, थ्रॉट थिकनेस। थ्रॉट थिकनेस ही हमारी क्या होती है इसके अंदर, वीकेस्ट पार्ट होती है किसी फ्लैट बेल्ट के अंतर्गत। अब हम समझते हैं डिटेल कंटेंट के साथ, देखें जरा यहाँ पर हमने यहाँ पर दो प्लेट ले रखी हैं, यहाँ पर हमारे पास दो प्लेट है, एक प्लेट नंबर वन है, प्लेट नंबर टू। हमने क्या किया है इसके अंतर्गत, हमने दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराया, और ओवरलैप कराने के बाद हमने इसे ज्वाइंट कर दिया, और यहाँ पर हमने बेल्डिंग भर दी। हमने बेल्डिंग जब भरी है तो हमारी हमारा कुछ इस तरीके से, हमें जब हमने बेल्डिंग भरी इसके अंतर्गत तो हमारा कुछ बेल्ट ये इस तरीके से हमें बेल्ट हमें देखने को मिलेगा। ये हम क्या कर रहे हैं, बेल्डिंग कर दे रहे हैं इसके ऊपर। तो दोनों प्लेटों को हमने क्या कर दिया, बेल्डिंग की मदद से हमने जॉइंट कर दिया। ये देखें जरा यहां पर, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, बेल्डिंग कर दिया। अब अगर आप बेल्डिंग का इस तरीके से हमने दोनों प्लेटों के ऊपर क्या कर दी, बेल्डिंग कर दी, और बेल्डिंग करने के बाद हमने जॉइंट कर दिया, अगर आप इधर इस साइड से देखें तो आपको कुछ इस तरीके की शेप दिखाई देती है। तो इस शेप में हम किस पार्ट को क्या कहते हैं वो आपको समझना है। देखें ये जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट यहां पर निकल के आ रहा है, इसे हम कहते हैं टो। क्या कहते हैं इसको, टो। दूसरा जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट है यहां, इस पार्ट को, यानी इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसे भी हम कहते हैं टो। दूसरा है हमारा जो लास्ट कॉर्नर पॉइंट यहां पर जो आ रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं रूट ऑफ बेल्ट, यानी बेल्ट की जड़ है ये हमारी। तो देखें इसको क्या कह रहे हैं, टो, ये भी है टो, दूसरा हमारा क्या है, ये रूट है। तो अब जो शेप हमारी बन सकती है बेल्डिंग की, एक तो हमारी ये शेप बन सकती है जो कि जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स शेप, एक हमारी ये शेप बन सकती है। इसी केस में, यानी हम बेल्डिंग कर रहे हैं तो फ्लैट बेल्डिंग के केस में हमारी तीन टाइप की शेप हमें देखने को मिल सकती है, एक हमारी कॉन्वेक्स शेप, दूसरी हमारी कॉनकेव शेप, तीसरी हमारी फ्लैट शेप। तो देखें कॉन्वेक्स शेप में हमारा ये वाला पार्ट कैसा है, थोड़ा उभरा हुआ नजर आ रहा है। दूसरा कॉनकेव शेप में हमारा ये बेल्डिंग का ये वाला पार्ट हमारा कैसा, थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है। और फ्लैट शेप में हमारा ये पूरी बेल्डिंग जो होती है हमारी फ्लैट रहती है। तो देखें जरा इसमें
अब यहां पर आपको क्या समझना है कि इस पार्ट को हमने क्या बोला हुआ है, इस पार्ट को हमने बोला है टो। अभी हमने समझा यहां पर कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं टो। दूसरा हमारा ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये भी टो कहलाता है। ये हमारा जो हमारा कॉर्नर पॉइंट यहां पर जो दिखाई दे रहा है ये वाला कौन सा कहता है, ये हमारा रूट कहलाता है। रूट का मतलब है यहां पर रूट ऑफ बेल्ट यानी बेल्ट की जड़। अब यहां पर देखें बात करते हैं थ्रॉट थिकनेस की। तो थ्रॉट थिकनेस हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे, थ्रॉट थिकनेस के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम यहां पर मिला देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हमने टो टू टो हमने यहां पर मिला दिया। तो टो टू टो मिलाने के बाद तो रूट से लेकर तो हम ये कहेंगे ये हमारा क्या एक ट्रायंगल बन गया और ये हमारा क्या हाइपोटेन्यूस है इसके अंदर। तो ये जो हमारा आधार लंब और कर्ण जो ट्रायंगल बन गया इसके अंतर्गत, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में जो हमारी सबसे बड़ी साइड है वो हमारी क्या ही हाइपोटेन्यूस है यानी कर्ण है ये। अब हाइपोटेन्यूस तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रूट एंड द हाइपोटेन्यूस ऑफ ट्रायंगल यानी किसी भी ट्रायंगल की हमारी ये क्या है हाइपोटेन्यूस, ये हमारी हो गई। तो हाइपोटेन्यूस और रूट तक की जो हमारी वर्टिकल डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रूट एंड द हाइपोटेन्यूस इन ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंतर्गत हमारी जो कर्ण और जो रूट तक की जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है थ्रॉट थिकनेस टी कहलाती है। यही क्या कहलाएगी हमारी थ्रॉट थिकनेस टी कहलाती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स बेल्ट। यानी अगर हम कॉन्वेक्स बेल्ट की बात करें तो ये जो हमने परपेंडिकुलर मिलाया है तो हमारा एक ट्रायंगल बन गया। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा टो टो अन रूट, यहां पर आप देखिए एक ट्रायंगल बन गया। ये हमारा क्या है, इसको हिंदी में हम कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं यानी कर्ण। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द, हमारी जो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस किस के बीच की, कर्ण और रूट तक के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है टी। और इसी टी को हम क्या कहते हैं थ्रॉट थिकनेस हम कहते हैं। तो ये हो गई हमारी थ्रॉट थिकनेस। आपको लेक्चर पूरा कंसंट्रेट होकर देखना है, पूरी तरीके से आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। आपके देखें यहाँ पर क्या हो गया थ्रॉट थिकनेस हमें देखने को मिल गई। अब दूसरा हमारा बेल्ट की शेप, फ्लैट बेल्ट की शेप कैसी हो सकती है, दूसरा हमारा कॉनकेव शेप का भी फ्लैट बेल्ट हो सकता है। तो इस केस में थ्रॉट थिकनेस कैसे निकालेंगे, इस केस में ये हमारा पार्ट क्या कहलाएगा टो, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा टो, ये क्या कहलाएगा हमारा रूट। अब इसको क्या करेंगे हम, इसके जो सबसे लोएस्ट जो दबा हुआ हिस्सा है, जो हमारा सबसे मोस्ट डिप्रेशन वाला पॉइंट है, वहां पर हम क्या करेंगे टेंजेंट लाइन खींचते हैं। वहां पर हम क्या करेंगे टेंजेंट लाइन खींच देंगे। तो टेंजेंट लाइन खींचने के बाद ही हमने एक टेंजेंट लाइन खींच दी कहां पर, जो मोस्ट डिप्रेशन वाला पार्ट था। तो अब ये हमारा क्या बन गया एक ट्रायंगल बन गया। देखें यहां पर ये ट्रायंगल हमारा बना है। अब इस ट्रायंगल में जो कर्ण है, जो हाइपोटेन्यूस यहां पर है, उनके भी यानी रूट और हाइपोटेन्यूस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है टी। और इस टी को क्या कहते हैं हम थ्रॉट थिकनेस कहते हैं। बिल्कुल सेम वे में ये वाली कंडीशन आ गई। अब आगे आता है हमारा फ्लैट बेल्ट के केस में, यानी अगर हम बेल्डिंग फ्लैट कर रहे हैं, जनरली हमारी ये बेल्डिंग बहुत हो नहीं पाती है। तो ये हमारा क्या है टो, ये टो और ये क्या हमारा रूट। तो रूट और हाइपोटेन्यूस तक के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं थ्रॉट थिकनेस कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि जब हमने फ्लैट बेल्डिंग की तो फ्लैट बेल्डिंग के केस में हमारे पास हमने दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराकर जॉइंट किया। और जॉइंट कराने के बाद जब हमने यहाँ पर बेल्डिंग प्रोवाइड की तो बेल्डिंग जब हमने प्रोवाइड कर रहे हैं तो बेल्डिंग प्रोवाइड करते टाइम हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारा कुछ जो शेप है अलग अलग टाइप की हमारी फ्लैट बेल्ट की हमें देखने को मिलती है, जिसमें हमारी सबसे पहली शेप कॉन्वेक्स है, दूसरी कॉनकेव शेप है, तीसरी हमारी फ्लैट या मिटर्ड, इसे हम बेल्ट की शेप कहते हैं फ्लैट बेल्ट की शेप। तो तीन टाइप के हमें फ्लैट बेल्ट शेप हमें देखने को मिली और उसमें हमने अलग अलग पार्ट्स को जाना। अब देखिए यहां पर जो हमारे थ्रॉट थिकनेस है, अगर इस बेल्ट के केस में अगर हम बात करें तो बेल्ट केस हमारी ये वाली जो थिकनेस है वो हमारी क्या है थ्रॉट थिकनेस है टी। तो अगर हम थ्रॉट थिकनेस को आगे तक इस तरीके से ले आए तो मैं 3D डायग्राम में आपको ध्यान समझना है। तो 3D डायग्राम में हमने क्या किया, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लेन बन रहा है। अगर आप देखना चाह, अगर आप देख पा रहे हो, ये जिस पर मैं ब्लैक पेन चला रहा हूँ, ये वाला, ये हमारा पोर्शन कैसा है, एक हमारा थ्रॉट थिकनेस और जिसकी लेंथ हमारी ये एल लेंथ है, तो और इसके एल लंबाई और थ्रेड यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर एक हमारी हिस्से एक पट्टी बन गई। तो जो वीकेस्ट सेक्शन है इसके अंदर, यही सेक्शन हमारा कौन सा होता है वीकेस्ट सेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो हम यही कहेंगे कि फ्लैट बेल्ट के केस में जो स्ट्रेंथ निकाली जाती है वो स्ट्रेंथ हमारी किसके वीकेस्ट पोर्शन के अलोंग निकाली जाती है, यानी कौन सा वीकेस्ट पोर्शन हमारा कौन सा है थ्रॉट थिकनेस हमारी वीकेस्ट पोर्शन इसके अंदर होती है। तो अब देखें हमने क्या समझ लिया
कि फ्लैट वेल्ड के इसमें दो प्लेटों को एक दूसरे को ओवरलैप किया और हमने जब फ्लैट वेल्डिंग करी तो हमें तीन टाइप के शेप हमें देखने को मिले, कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड फ्लैट वेल्ड हमें शेप देखने को मिली, जिसमें हमने समझा कि रूट क्या है, थ्रोट थिकनेस क्या है, टो क्या होते हैं, हमने समझा यहां पर इस डायग्राम के थ्रू। अब देखें, अब यहां पर स्ट्रेंथ डिटरमाइन, तो हम ये कहेंगे स्ट्रेंथ इज डिटरमाइन ऑन द बेस ऑफ थ्रोट थिकनेस, यानी हम क्या करेंगे, थ्रोट थिकनेस के बेस पर ही हम फ्लैट बेल्ट की स्ट्रेंथ निकालेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में सबसे कमजोर हिस्सा है, अगर वो सेफ है तो पूरा स्ट्रक्चर हमारा सेफ होगा, क्योंकि रिमेनिंग मेंबर्स हमारे स्ट्रॉन्गर होंगे इन कंपैरिजन ऑफ वीकेस्ट। तो हमारे जो सबसे कमजोर हिस्से हैं उससे ज्यादा ही होंगे स्ट्रेंथ वाले, तो अगर हम सबसे कमजोर जो हमारा वीकेस्ट पोर्शन है उसको अगर हम सेफ कर दें तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सेफ रहेगा। तो हमने ये सारे पॉइंट्स पर डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि डायमेंशंस ऑफ फ्लैट बेल्ट, कि फ्लैट बेल्ट के केस में हमारे कौन कौन से डायमेंशंस हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आता है लेग लेंथ। अब लेग लेंथ किसे कहते हैं उसको समझते हैं। देखें, जब हमने बेल्डिंग की यहां पर, जब हमने बेल्डिंग प्रोवाइड की, अब यहां से हमने समझा कि बेल्डिंग करने के बाद हमारी ये जो शेप है वो कौन सी है, कॉन्वेक्स है, तो यहां पर हमारा इस हिस्से को क्या कहेंगे, टो। इस वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, हम टो कहेंगे। ये हमारी क्या है, ट्रायंगल की हाइपोटेनियस। दूसरा हमारा ये क्या है, ये हमारी रूट है। अब हमने जो ट्रायंगल यहां पर बनाया, इस ट्रायंगल पर देखें, इस ट्रायंगल को हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को हमने अलग से बाहर निकाल लिया, ऐसे इस ट्रायंगल को हमने यहां पर ले आए और ट्रायंगल में हमने देखा कि ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये हमारी थ्रोट थिकनेस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड द हाइपोटेनियस, टी। अब देखें जरा, अब हम बात करना चाहते हैं डायमेंशंस ऑफ फ्लैट बेल्ट के बारे में, कि फ्लैट बेल्ट की हमारी डायमेंशन क्या होती है। तो फ्लैट बेल्ट की डायमेंशन में हम जब बेल्डिंग करते हैं, जब दो प्लेटों को एक दूसरे ऊपर रखते हैं और जब हम बेल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, तो हमें फ्यूजन जोन देखने को मिलता है, यानी हमारा प्लेट का कुछ हिस्सा ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूजन जोन में हमारा ये आ जाएगा, तो यानी कि हमारा ये गल जाए, हमारा कैसा गलन क्षेत्र है, तो ये हमारा जो पूरा फ्यूजन जोन है, ये हमारा क्या है, ये जो जोन है हमारा, वो कौन सा जोन है, फ्यूजन जोन यानी गलन क्षेत्र से हम कहते हैं हिंदी में। तो फ्यूजन जोन यानी कि हमारे जब प्लेट को हम बेल्ट करते हैं तो हाई टेम्परेचर की वजह से जो प्लेट का मटेरियल है वो भी पिघल जाता है, वो भी मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होकर इसके साथ जॉइंट होकर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्लेट्स को जॉइंट करता है। तो फ्यूजन जोन में हमें एक ट्रायंगल देखने को मिला है, तो इस ट्रायंगल में आप देखें, एक हमारी जो परपेंडिकुलर साइड ये, दूसरा हमारा जो बेस है, इन दोनों में ये हमारी कैसी होती है, इक्वल हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है किसी केस में, लेकिन जनरली कैसी होती है, हमारी इक्वल होती है। तो हम यहां पर कहेंगे लेग लेंथ क्या होती है, कि फ्यूजन जोन में बनने वाले ट्रायंगल, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फ्यूजन जोन में जो बना हुआ ट्रायंगल है, बना ट्रायंगल, या लिखें हम बने ट्रायंगल की दो इक्वल साइड्स, जो हमारी टू इक्वल साइड्स इसके अंदर बनी है, टू इक्वल साइड्स में से एक के बराबर, किसी एक के बराबर होता है, एक के बराबर होती है लेग लेंथ। तो देखें यहां पर हमने क्या समझा कि फ्लैट बेल्ट के केस में लेग लेंथ की अगर बात की जाए तो लेग लेंथ क्या होती है, तो फ्यूजन जोन में बना हुआ ट्रायंगल, यानी कि द ट्रायंगल इन फ्यूजन जोन, जो हमारी एक परपेंडिकुलर साइड है या बेस है, ये दोनों कैसे होगी, जनरली इक्वल होंगी, तो इन इक्वल साइड्स में से किसी एक के बराबर, यानी कि इनमें से कोई भी वन, हम यानी इनमें से हम कोई भी एक लें तो उसके बराबर हमारी क्या होगी, लेग लेंथ होती है। तो अब आता है हमारा साइज ऑफ बेल्ट। तो साइज ऑफ बेल्ट क्या होता है, यहां पर फ्यूजन जोन में बने ट्रायंगल में
मिनिमम साइड को क्या कहते हैं, साइज ऑफ बेल्ट लेते हैं, मिनिमम साइज बेल्ट लेते हैं। यानी हमने क्या लिखा है इसके अंतर्गत कि फ्यूजन जोन में जो हमारा ट्रायंगल बना है उनमें से जो हमारी मिनिमम साइड होगी वही साइड हमारी क्या ली जाएगी, वही साइड हमारी साइज ऑफ बेल्ट ली जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि द ट्रायंगल इन फ्यूजन जोन में से जो मिनिमम साइड ऑफ ट्रायंगल है वही हमारी क्या होती है, साइज ऑफ बेल्ट हम लेते हैं, टेक करते हैं। आगे आता है हमारा थ्रोट थिकनेस। तो देखें थ्रोट थिकनेस हमारा क्या है, थ्रोट थिकनेस इज द यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर ये तो मैं कई बार बता चुका आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन root and the hypotenuse is known as throat thickness. It is the weakest part in flat belt। देखें हमने क्या बताया, throat thickness क्या है हमारी, perpendicular distance between the root and the hypotenuse is known as थ्रोट थिकनेस। और ये हमारी क्या होती है, ये थ्रोट थिकनेस हमारी इस सबसे वीकेस्ट पोर्शन होती है और इसी के बेस पर हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ निकालते हैं फ्लैट बेल्ट की। अब आगे आता है कि इसके अंतर्गत अगर हम बात करें थ्रोट थिकनेस निकालने की, तो थ्रोट थिकनेस बराबर होता है टी इक्वल टू के इंटू एस। अब यहां पर देखें के क्या है, थ्रोट थिकनेस अगर हम बता करें तो थ्रोट थिकनेस का जो हमारा फार्मूला है, थ्रोट थिकनेस इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ बेल्ट। अब आपको ये समझ में आ गया कि फ्लैट बेल्ट के केस में हमें थ्रोट थिकनेस अगर हमें निकालनी है तो साइज ऑफ बेल्ट हम समझ गए कि ट्रायंगल में से जो भी हमारी मिनिमम साइड होगी वो हमारी साइज ऑफ बेल्ट ली जाएगी। अब साइज ऑफ बेल्ट में हम के का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के यहाँ पर क्या है, जो एंगल बिटवीन फ्यूजन जोन। अब देखें यहाँ पर आप कि फ्यूजन जोन हमारा, एक प्लेट हमारी वर्टिकल थी दूसरी प्लेट हमारी हॉरिजॉन्टल थी, तो इनके बीच में हमारा कितना डिग्री का एंगल था, 90 डिग्री का। तो अब इस अलग अलग फ्यूजन फेस जो होंगे यानी हमारी जो प्लेट के बीच में जो हमने बेल्डिंग की है, तो यहाँ पर कितने बीच में बेल्डिंग हो रही है, 90 डिग्री में। कभी ऐसा भी हो सकता है कि फ्लैट बेल्डिंग ही करनी पड़े पर वो 90 डिग्री से एवब हो। दूसरा हमारा यानी इन दोनों जो हमारी प्लेट की जो सरफेस है, ये सरफेस और दूसरी सरफेस, यानी आप ये कह सकते हैं कि हमने अभी क्या किया है, एक प्लेट की सरफेस वर्टिकल दूसरी प्लेट की हॉरिजॉन्टल थी, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री था। कभी ऐसे भी हो सकता है कि दो एक प्लेट हमारी इस तरीके से हो, तो अगर हम 90 डिग्री से कम भी हो सकती है, 90 डिग्री से ज्यादा भी हो सकती है, तो उस केस में फ्लैट बेल्डिंग अगर हम कर रहे हैं तो हम थ्रोट थिकनेस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो उस केस में हम के एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई करते हैं साइज ऑफ बेल्ट में, तब हम क्या निकालते हैं, थ्रोट थिकनेस हम डिटरमाइन करते हैं। तो कैसे लेते हैं इस वैल्यू को, देखें अगर एंगल बिटवीन फ्यूजन फेज, जो हमारे फ्यूजन फेज के बीच में जो हमारे प्लेट्स की बेल्डिंग हो रही है उनके बीच में जो फ्यूजन क्षेत्र हमारा, जो फ्यूजन जोन हमारा क्रिएट हुआ है, उस फ्यूजन जोन के बीच में अगर एंगल 60-90 डिग्री है, तब उस केस में हम के की वैल्यू 0.75 लेते हैं। दूसरा, सॉरी एक बार मैं देख लेता हूं, 0.70 अब अगर हमारा 91 to 100 डिग्री होता है एंगल, तो उस केस में ये लेते हैं हम 0.65। अगर हमारा 101 से 106 होता है तो उस केस में हम लेते हैं 0.60। और 107 से अगर हमारा 113 होता है तो उस केस में हम ये कैलकुलेट करते हैं 0.55। और 114 degree to 120 degree तक अगर हम बात करें तो 0.50 होता है। तो देखिए अब हमारी जो फ्यूजन जोन की जो मिनिमम वैल्यू है 60 डिग्री और मैक्सिमम वैल्यू है 120 डिग्री, तो उनके लिए हमारी जो के की वैल्यू है वो हमने यहाँ पर सीरियल वाइज यहाँ पर लिख दी। यानी हम क्या करेंगे, जब भी
थ्रॉट थिकनेस हम डिटरमाइन करेंगे, थ्रॉट थिकनेस निकालेंगे फ्लैट बेल्ट के केस में, उस केस में हम के का मल्टीप्लाई करेंगे और के की वैल्यू हमारे इसके लिए हमें अलग अलग एंगल्स के केस में, अलग अलग डिग्री हमें दे रखा है एंगल के केस में, अलग अलग हमारी वैल्यू होती है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे थ्रॉट थिकनेस डिटरमाइन करेंगे। अब बात करते हैं आगे, ये हमारा हो गया साइज ऑफ बेल्ट, हो गया थ्रॉट थिकनेस, हो गया यहां तक हमने पूरा कंप्लीट समझ लिया। मैक्सिमम वैल्यू अगर हम के की बात करें तो 0.70 और मिनिमम वैल्यू हम बात करें तो 0.50 होती है के की, जो हमारा कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई किया जाता है साइज ऑफ बेल्ट में किसके लिए, टू डिटरमाइन द थ्रॉट थिकनेस ऑफ फ्लैट बेल्ट।